हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लिटिल गार्डन। तो कैसे हैं आप सब? आज का जो मेरा टॉपिक है फंगीसाइड वाला। फंगीसाइड टू टाइप के होते हैं, एक सिस्टमैटिक और एक कॉन्टैक्ट। तो ये जो सिस्टमैटिक फंगीसाइड आप हेराजिन का देख रहे हो, वो मैं परचेस करके लाई हूँ अभी। सिस्टमैटिक फंगीसाइड क्या काम करता है? वो हमारे जो प्लांट होते हैं उसकी रूट्स तक जाता है। अगर आप उसके लीव्स पे स्प्रे करोगे तो उसकी लीव्स की नस में, मतलब जो हम प्लांट की नस बोल सकते हैं, ये फंगीसाइड उसमें जाके रूट्स तक उसका असर दिखाता है। मतलब वो हमारे पूरे प्लांट को कवर कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है फंगस से। और जो उसमें टाइम भी लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो पूरे प्लांट को कवर करता है। और जो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होता है, वो सीधे जहाँ पे फंगस हो वहाँ पे उसका असर दिखाता है। पर ये जो सिस्टमैटिक है वो टाइम लगाता है, इसीलिए अभी बाज़ार में जो आते हैं वो सिस्टमैटिक और कॉन्टैक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक फंगीसाइड उन्होंने बाज़ार में आया है। तो मैंने वो भी परचेस किया है, मैं आपको दिखाऊँगी। तो जो दोनों, ये जो मेरा रिलैक्स का ये जो फंगीसाइड है, ये कॉन्टैक्ट और सिस्टमैटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या करेगा कि मेरे जो गार्डन में फंगस लगा है तो उस पर ये तुरंत, मैं स्प्रे करूँगी तो उस पर ये तुरंत असर दिखाएगा। और मेरी सिस्टमैटिक भी इसमें है, इसीलिए वो मेरी प्लांट की रूट्स तक जाएगा और उसकी नस में रहेगा। और ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन वाला फंगीसाइड है, वो हमारे प्लांट को लॉन्ग टाइम तक प्रोटेक्ट करता है फंगस से। पर हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इसे स्प्रे करो तो स्प्रे करने के मतलब 3-4 घंटे तक तो वो अपने प्लांट पे रहना ही चाहिए। अगर बारिश हो या आप उस पर पानी का छिड़काव कर दोगे तो वो निकल जाएगा। तो ये स्प्रे करने के 3-4 घंटे तक ये हमारे प्लांट पे रहना चाहिए, तभी इसका असर हम देख पाएंगे। तो चलो अभी मैं आपको स्प्रे करके दिखाती हूँ कि इसे कैसे स्प्रे करना है, कितनी मात्रा में लेना है, कितना वाटर चाहिए। तो ये मेरा जो पंप है, स्प्रे पंप, वो 1 लीटर का पंप है। तो मैं इसमें 2 ग्राम जितना फंगीसाइड ऐड करूँगी। 2 ग्राम मतलब आप 1 टेबलस्पून भी बोल सकते हो। तो मैं 1 लीटर वाटर में ये 2 ग्राम फंगीसाइड लेके इस पर स्प्रे करूँगी। ये ग्रीन कलर का है, इसमें बहुत सारे कलर, मतलब कलर वेराइटीज़ में नहीं आते, पर अलग अलग कंपनी के अलग अलग फंगीसाइड के कलर होते हैं। कोई रेड भी होता है, कोई पिंक भी होता है। ये मेरा ग्रीन कलर वाला फंगीसाइड है, तो मेरा वाटर भी पूरा ग्रीन हो जाएगा। और मेरे प्लांट पे भी मैं स्प्रे करूँगी तो उसके पत्ते भी मुझे ज़्यादा ग्रीन ग्रीन दिखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो मैं 1 लीटर वाटर में ये 2 ग्राम फंगीसाइड ऐड करूँगी। इसे हम बराबर मिक्स करेंगे और बाद में इसका स्प्रे करेंगे। आपके गार्डन में अभी बारिश का टाइम है तो फंगस लगना तो बनता ही है फ्रेंड्स। तो बारिश जाने के बाद हमारे कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिस पे फंगस बहुत ज़्यादा लग जाता है, और कई बार हमारे प्लांट मर भी जाते हैं। तो आप उसका अच्छी तरह से ख्याल रखें, आप अपने फंगीसाइड को उस पे स्प्रे करते रहें। तो बहुत ज़्यादा स्प्रे भी नहीं करना है, आप 15 दिन या 20 दिन में एक बार स्प्रे कर सकते हो फंगीसाइड का। तो फ्रेंड्स, ये जो फंगीसाइड होता है वो हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। मेरे यहाँ ये जो एडिनियम देख रहे हो आप, उस पर बहुत सारा फंगस लग चुके हैं, क्योंकि पानी का फ्लो ज़्यादा होता है बारिश में, तो हमारे गमलों में पानी भर जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये सब फंगस लगा हुआ है। पानी ज़्यादा भरा होने के कारण ही फंगस लगते हैं, धूप नहीं आती है। तो ये मेरे एडिनियम के कुछ पत्ते भी हैं, आपको इस टाइप के सिम्टम्स दिखे तो आप इसे फंगस समझिएगा फ्रेंड्स। तो ये सब फंगस, ये पान भी, ऐसे लीव्स भी निकल जाते हैं फंगस की वजह से। तो मेरे कुछ फ्लावर भी फंगस वाले हो गए हैं, मतलब उस पर ब्लैक ब्लैक डॉट आ गए हैं। कुछ कलियाँ भी मेरी ख़राब हो गई है इस टाइप से। अगर आप, एक और उपाय भी है जो आप कर सकते हो, अगर आपको अपने गार्डन में इस टाइप के फंगस वाले पत्ते या फ्लावर्स कुछ भी दिखे तो उसे तुरंत ही कट करके आप फेंक दो, तो भी एक ये हो सकता है कि फंगस और जगह पे फैले नहीं।
पर स्प्रे तो हमें करना ही पड़ता है क्योंकि हमारे गार्डन में बहुत सारे जो प्लांट हैं मेरे गार्डन में, तो मैं सबके पत्ते तो ऐसे निकालने चाहूँगी तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा, तो उससे अच्छा है कि मैं अपने गार्डन को अच्छी तरह से स्प्रे कर दूँ। स्प्रे भी हमें ऐसे करना है कि ऊपर नीचे पत्ते में स्प्रे पहुंचना चाहिए, मतलब नीचे के पत्ते पत्ते के नीचे के पार्ट में भी स्प्रे हमारा पहुंचना चाहिए, क्योंकि फंगस नीचे के पार्ट में ही ज़्यादा होते हैं, और मिट्टी में भी हमें थोड़ा थोड़ा फंगीसाइड पानी में ऐड करके डाल देना है। तो ये मेरे किचन गार्डनिंग की जगह है फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरे कुछ टमाटर के ये प्लांट मैंने जो हमारी गुनी होती है उसमें मैंने उगाए हैं, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो इस पे भी बहुत सारा फंगस आ गया है बारिश की वजह से। तो ये मेरी लौकी, बॉटल गार्ड, आप जो भी बोल दो, उसकी बेल है, तो उसके पत्ते भी ये ख़राब हो गए हैं फंगस की वजह से। और ये जो एक फंगस लगता है वो बहुत सारे उसके पत्ते को भी पूरे अपने साथ लेके जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े पत्ते हो तो अच्छा होगा कि आप इसे तोड़ के फेंक दो, ताकि और फंगस आपकी बेलों पे फैले नहीं। तो अभी मैं ये सब पत्ते हैं उसे भी मैं काट के फेंक दूँगी और स्प्रे भी करूँगी। ये मेरी एक किचन गार्डनिंग, ये पापड़ी बोलते हैं, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, ये इसकी बेल है, उस पर भी फंगस लग चुका है। ये मेरी करेले की बेल है, इसके भी बहुत सारे पत्ते हैं जो ख़राब हो गए हैं। अभी एक करेला भी छोटू सा आया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। इसकी सीडलिंग का वीडियो भी मैंने पोस्ट किया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा कि मैंने इसकी सीडलिंग कैसे की है। और इसकी सीडलिंग के ये 2-3 महीने हो चुके हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगी कि अभी ये मेरा कितना प्रोग्रेस कर रहा है ये मेरा प्लांट। तो मैं इस तरह से अपने पूरे गार्डन के सभी गमलों में, सभी प्लांट्स पे इस तरह से स्प्रे करूँगी। तो कुछ भी फंगस वगैरह कहीं पे भी छुपा हो तो वो मतलब मेरे प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके। तो आप इसी तरह अपने गार्डन को भी अच्छी तरह से आप स्प्रे कर दे बारिश के बाद। हमारे यहाँ सूरत में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, 1 वीक तक बारिश हुई थी सूरत में। तो अभी बारिश बंद हो चुकी है, तो मेरे यहाँ फंगस लग मतलब फंगस हो गया है किसी किसी प्लांटों पे। तो मैं इस तरह से स्प्रे कर रही हूँ, धूप आने की वजह से थोड़ा मेरा प्लांट अच्छे भी हो जाएंगे। तो ये जो स्प्रे देख रहे हैं मैं कर रही हूँ, वो सब ग्रीन ग्रीन कलर के उसमें से लिक्विड निकल रहा है, क्योंकि मेरा फंगीसाइड ग्रीन कलर का था। तो अभी आपके इसको स्प्रे करने के बाद आपको इसके लीव्स भी ग्रीन कलर के दिखेंगे कुछ ज़्यादा ही। तो वो अपना प्लांट भी हेल्दी होता है, मतलब आप इस तरह से सभी स्प्रे कुछ ना कुछ करते रहे तो अपने पत्ते फ्लावर्स वगैरह हेल्दी दिखते हैं आपको। कई बार ऐसा होता है कि पत्ते ख़राब हो जाते हैं, निकल जाते हैं, किसी के पत्ते हेल्दी नहीं होते, पर मेरे गार्डन में तो सभी पत्ते हेल्दी है, क्योंकि मैं इस पर स्प्रे करती रहती हूँ। मैं नीम ऑयल का भी इस पर स्प्रे करती हूँ, नीम फर्टिलाइज भी यूज़ करती हूँ, पर बारिश के फंगस को तो मैं ये फंगीसाइड से ही निकाल पाऊँगी, इसलिए मैं इसे स्प्रे कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ये फंगीसाइड को इसी तरह 1 लीटर पानी में 1 टेबलस्पून जितना डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करके आप थोड़ा थोड़ा अपने गमले में भी दे दीजिए मिट्टी में, ताकि जो मिट्टी गीली हो गई है बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा, तो उसमें भी फंगस आ सकता है, तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करेगा अपने प्लांट को। तो आप इस तरह से भी ये फंगीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। मेरे तो 2 प्लांट मर भी गए हैं फ्रेंड्स फंगस की वजह से। तो मैं इसी तरह से पूरे प्लांट, आप अपने घर पे एडिनियम हो तो उसे अच्छी तरह से संभाल के रखिए बारिश में, क्योंकि एडिनियम के रूट सड़ जाते हैं बारिश में, बहुत ज़्यादा पानी की वजह से वो ख़राब जल्दी हो जाते हैं एडिनियम। तो उसे शेड में रख दीजिए, घर में मत रखिएगा, उसे शेड में रखिएगा। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, आप उसे ज़रूर देखिएगा, एडिनियम की केयर इन मानसून के बारे में। तो ये जो मेरे पत्ते आप सिकुड़ गए हैं, ये देख रहे हैं डाउन हो गए हैं, ये भी फंगस की वजह से ही हुआ है फ्रेंड्स। फंगस अगर ज़्यादा लग जाए तो हमारे पत्ते इस तरह से डाउन होके फिर मर जाते हैं, हमारा पूरा प्लांट मर सकता है, इसीलिए मैं ये स्प्रे कर रही हूँ अभी। मेरे बहुत सारे पत्ते पीले भी पड़ चुके हैं ये किचन गार्डनिंग में, क्योंकि पानी वाटरिंग ज़्यादा हो गया बारिश में, तो पत्ते पीले भी पड़ जाते हैं।
आप देख सकते हैं कि ये सब मेरे पत्ते हैं जो एडिनियम के, वो सब आपको ज़्यादा ग्रीन ग्रीन दिख रहे होंगे क्योंकि ये फंगीसाइड का कमाल है। तो ये जो पत्ते पे जो फंगीसाइड हम डाल रहे हैं तो वो पत्ते भी उसे एब्जॉर्ब करते हैं। ये ग्रीन जो दिख रहा है वो फंगीसाइड का कलर है। तो पत्तों से भी जो प्लांट होते हैं हमारे, वो पत्ते से भी आप कुछ भी स्प्रे करो, पानी वगैरह, वो पत्ते से भी वो एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। तो इसी टाइप से ये फंगीसाइड मेरे गार्डन में, मेरे प्लांट में रहेगा ज़्यादा टाइम, तो उसकी असर भी लॉन्ग टाइम तक रहेगी। इसलिए मैं सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन लेके आई हूँ। तो आप भी ज़रूर ऐसा ही लाइएगा, कोई भी एक फंगीसाइड अलग से नहीं लीजिएगा, कॉन्टैक्ट या सिस्टमेटिक अलग नहीं लीजिएगा, दोनों साथ में हो वैसा ही फंगीसाइड यूज़ कीजिएगा ताकि आपके प्लांट की रूट्स तक वो जाए। और तुरंत कॉन्टैक्ट का काम है तुरंत असर दिखाना, तो वो तुरंत असर दिखाता है, और जो सिस्टमेटिक है वो लॉन्ग टाइम तक हमारे प्लांट को हेल्दी रखता है। तो आप देख रहे होंगे एक अच्छा सा रोज़ भी मेरे गार्डन में खिला हुआ है अभी, बहुत ही सुंदर लग